मध्य प्रदेश भाजपा के सियासत में बड़ी हलचल, प्रदेश में जल्द होगा बड़ा बदलाव, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। बताते चले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को 19 फरवरी को सुबह 9 से रात 9 बजे तक भोपाल में ही रहने का निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री की तरफ से भेजे गए संदेश में यह साफ नहीं है कि मंत्रियों को भोपाल में अचानक 12 घंटे तक रहने के लिए उन्होंने क्यों कहा है, वह भी उस वक्त जब सभी मंत्री विकास यात्रा में जुटे हुए हैं और उनके पहले से कार्यक्रम भी तय है। इस निर्देश से हड़कंप की स्थिति तो है ही, मंत्रियों के निजी सहायक भी एक दूसरे से बैठक का विषय पता लगाने में लगे रहे। उधर कुछ लोग इसे मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं से भी जोड़कर देख रहे हैं। बता दें कि मंत्रिमंडल में अभी 4 पद खाली है। उधर मुख्यमंत्री ने बुधवार को नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, इससे कैबिनेट विस्तार की संभावना को बल मिलता है। बताया जा रहा है कि मोहन भागवत और शिवराज के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत भी हुई। पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस दिन विकास यात्राओं की समीक्षा भी करेंगे, साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बता दें, हाल ही में घोषित लाडली बहना योजना को पूरे जोरों शोरों से प्रारंभ करने की तैयारी भी है। बता दें कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर योजना शुरू करने की तैयारी है, इसकी रूपरेखा भी चर्चा होगी। इसके अलावा 19 फरवरी को ही मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिदिन पौधारोपण के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वह मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पौधारोपण भी कर सकते हैं। इसी के साथ कई सारे बदलाव के होने की अंदेशा भी बताया जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।